हेलो गाइस, मीनू मारवाड़ी रसोई में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए आज बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही हेल्दी भी है, गुणकारी भी है और टेस्टी भी है और झटपट से बनने वाली भी है। ओनली 5 मिनट में बन जाएगी बिना गैस जलाए। तो ये है चीकू मिल्क शेक और इसे बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। और जितना बनाना इसे आसान है उससे कई गुना इससे खाने या पीने से फ़ायदे होते हैं हमें। तो इस तरीके से अगर हम चीकू मिल्क शेक बना के पियेंगे तो हमारी पेट की समस्याओं के लिए, आँखों की समस्याओं के लिए, डाइजेशन के लिए या थकान कमजोरी के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद रेसिपी है। तो इसे दोस्तों एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपने ये कभी बना के नहीं पिया है तो मानो आपने कभी कुछ पिया ही नहीं। ये इतना टेस्टी है, एक बार आपने बना ली तो हर बार बना के पीने का मन करेगा इसे। तो दोस्तों अगर आप सभी को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ये पके हुए चीकू ले लिए हैं और इन्हें वॉश कर लिया है। और मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगी पके हुए ही लेने चाहिए, जब भी टेस्टी बनेगा। कच्चे लेने से ख़राब हो जाएगा थोड़ा सा टेस्ट में। तो यहाँ पे देखिए, चीनी की जगह आप गुड़ भी ले सकते हो, चीनी अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हो। यहाँ पे 15 से 20 मैंने बादाम और कुछ टुकड़े कोकोनट के लिए हैं, इन्हें भिगो दिया था पहले ही ताकि ये पीसने में भी आसान हो जाए और इसमें थोड़ा टेस्ट भी बढ़िया आए। तो यहाँ पे आपको चीनी की जगह गुड़ लेना हो तो गुड़ भी ले सकते हो, इसे और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए। तो ये मैंने ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे डाल दिए हैं और ड्राई फ्रूट्स अपने पसंद के कोई से भी डाल सकते हो, थोड़ा कम ज़्यादा भी डाल सकते हो या नहीं हो तो स्किप भी कर सकते हो। तो अभी इन्हें हम थोड़ा सा दूध डाल के पीस लेंगे। पहले दूध हमें कम से कम आधा कप के लगभग ही डालेंगे पहले, ताकि ये अच्छे से बढ़िया पिस जाए। थोड़ा दूध डालने से, ज़्यादा दूध डालने से अच्छे से नहीं पिस पाएगा। और फिर इसे पीस के मैंने फिर से इसमें दूध डाल दिया है और दूध मैंने गर्म ठंडा रूम टेम्परेचर वाला दूध ही लिया है। आपको ज़्यादा ठंडा पीना हो तो थोड़ी देर इसे दूध को फ्रीज में रख के भी यूज ले सकते हो। तो ये देखिए, मैंने पीस के तैयार कर लिया है और गिलास के अंदर मैंने निकाल लिया है। और दोस्तों देखिए, 5 मिनट में ये बनके तैयार हो गया है। और ऊपर से अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए, और आपके पास अगर चॉकलेट सिरप हो तो चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हो ऊपर से बच्चों के लिए, तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा इस तरीके से। तो ये लीजिए, हमारा बहुत ही टेस्टी हेल्दी गुणकारी चीकू मिल्क शेक बनके तैयार है ओनली 5 मिनट के अंदर दोस्तों। और दोस्तों आपने देखा ना कितना आसानी से बनाना, और जितना आसानी से बनाना है उससे कई गुना ये फ़ायदेमंद रेसिपी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप सब भी इन सर्दियों में या जब आपके पास चीकू हो तब इसे बना के ज़रूर पिए। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही गुणकारी होता है। बच्चों से लेके बड़ों तक सबको पिलाइए, सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद, बहुत ही गुणकारी होता है। और दोस्तों आप सभी को ये मेरी रेसिपी कैसी लगी उसके लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोग ये वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हो उसके लिए प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं आप सभी को थैंक यू बोल सकूँ। और दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि और भी अच्छी अच्छी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। टेक केयर, मिलते हैं फिर अगली ऐसी एक नई रेसिपी के साथ।